It's okay, no issues. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ जो है वो बहुत ही एक अनसर्टेन सी चीज़ है। आप कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह ताला के आपके लिए कुछ और प्लान्स होते हैं। जब मैंने ये ट्रैवल ब्लॉग की सीरीज स्टार्ट की थी तो मुझे यूँ लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड्स करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेरा ये टाइम किस तरह गुजर रहा है। मगर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम कुछ सोचते हैं और अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं, एंड अनडाउटेडली अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो ऑब्वियसली मैं उस तरह से अपलोड्स नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि एक तो ट्रैवलिंग में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं साथ साथ, और फिर ये कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। एक्साइटेड नाउ यू हैव टू गेट डाउन एंड दे विल टेक योर प्रैम, ओके, एंड वी विल सिट इन द प्लेन एंड वंस वी लैंड देयर इन मदीना देन वी विल गेट द प्रैम बैक, ओके। So you have to get off your pram. Say Bismillah and step. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. चाहे आप पूरी दुनिया ही क्यों ना घूम लें, लेकिन हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसे इन दो शहरों की ख़ास तौर पर ज़्यारत का मौका अता फरमाए, और आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज हम सिटी ऑफ मदीना, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का विज़िट करने वाले हैं। और सऊदी अरेबिया आने की एक मेजर वजह भी यही थी कि अल्लाह ताला हमें मक्का शरीफ और मदीना शरीफ दोनों की ज़्यारतें करवाए, और हम दोनों हरमैन में जो हैं अल्लाह ताला की इबादत कर पाएँ। और आज ही हमारी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। इनफैक्ट जब से छोटू मियाँ इस दुनिया में आए हैं, ये हमारा मदीना शरीफ का सेकेंड विज़िट है। और पिछली बार भी जब हम मदीना शरीफ गए थे तो छोटू मियाँ बहुत ज़्यादा छोटे थे, और उस वजह से ये हरम के अंदर मैं इन्हें लेकर नहीं गई थी। और इस वक्त भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बच्चों का हरम में जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ये विज़िट कैसा रहा और हमने क्या क्या किया, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेजर जो इबादात हैं और जो वक्त हमने वहाँ गुजारा वो ऑब्वियसली शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं तो उस वक्त सिर्फ आपका ताल्लुक़ अपने रब की ज़ात के साथ होता है। और हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप सबको अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। तो मेरे सारे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए दुआगू रहूं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि मुझे आप सब लोग याद थे, और मैंने जिस जिसने मुझे जो जो दुआ की कही थी, मेरी हर मुमकिन कोशिश थी कि मैं वो दुआ मांगूं। और अगर मुझसे कुछ रह गया तो मैंने अल्लाह ताला से ये भी गुजारिश की थी कि जिसके दिल से जो भी दुआ निकली है उसे ज़रूर कबूल करें। आपको याद होगा ये मेरा अमेज़न का
से मंगवाया हुआ मेरा लैपटॉप का स्लीव, और ये मेरे लिए बहुत इस वक्त हेल्पफुल है क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान लैपटॉप की एक अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, मैंने ये तो छोटू मियाँ के यहाँ पे कार्टून चल रहे हैं, छोटू मियाँ शोर मचाते हुए एज ऑलवेज। मैंने देखा है कि मैंने लैपटॉप saying that he wants it, but I'm not going to give him because मैं इस वक्त इसमें डेटा ट्रांसफर करने लगी हूँ। Blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urubin wa min Ajami. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा, आप हैं हजरत मोहम्मद सरवर हर दो सरा, आप हैं अरबों अजम जिन्नो बशर के पेशवा, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। मोहम्मद is the leader of both worlds, both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations. And when both groups, Arabs and Ajam, Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khayril khalqi kulli. आप हैं महबूब हक और शाफी रोजे जजा, आप हैं महबूब हक और शाफी रोजे जजा, नागहानी आफतों में आपका है आसरा, आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम।